हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर टेलर। कई भाइयों ने कमेंट किया था कि सर कोट का कटिंग का वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं कोट का कटिंग का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जिसका साइज है 33.5 चेस्ट। ये जो कोट है ये छोटे बच्चे का कोट है और हर साइज़ में कोट का स्टाइल चेंज करना पड़ता है, कटिंग का स्टाइल चेंज करना पड़ता है। बड़ा साइज में स्टाइल चेंज करना पड़ता है, छोटे में भी चेंज करना पड़ता है। मैं एक एक करके हर साइज़ का कोट का कटिंग का वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा साइज़ में किस तरह से चेंजेस करने का है। उसका चेंजेस भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से चेंजेस करने का है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कोट का मेजरमेंट है, लेंथ 28, शोल्डर 15, स्लीव 22.5, चेस्ट 33.5, हिप 34। ये मैं लेंथ लगा रहा हूँ 28, ये 28 लेंथ लगाया मैंने। 28 का आधा कितना हुआ, 14। 14 से 1.5 इंच नीचे उतारना है। स्टमक का साइज आता है सेंटर, कोट का सेंटर सॉरी 1.5 इंच नीचे उतारना है। 1.5 इंच लेंथ में, लेंथ को हाफ कर करके उसे 1.5 इंच नीचे ले लेना है। वो कोट का सेंटर है, स्टमक का साइज। ये 28 लेंथ ही मैंने यहाँ लगाया है। ये 16.5 पे मैं मार्क किया है, यानी कि 14 और 1.5 इंच नीचे ले लिया मैंने। ये लेंथ का मार्क है, ये 1.25 इंच डाउन है, 1.75 डाउन, शोल्डर डाउन है। बड़ी साइज का डाउन और थोड़ा ज़्यादा आएगा, 2 इंच 2.25 इंच तक आएगा। ये कोट छोटा कोट है, ये 1.25 लगाया है मैं, 1.5 इंच का गैप। ये लकीर खींच लेना सीधा से, ये 1.5 इंच वाला गैप वाला लाइन है। ये शोल्डर डाउन लाइन है, ये लेंथ का लाइन फिक्स। अभी मैंने बैक का डाला है 1.25 इंच, इधर 1 इंच बैक जेंट है। ये यहाँ पर 1.25 इंच स्टमक के पास, नीचे 1.5 इंच। सभी साइज को यही हिसाब लगा सकते हैं। अगर कोई साइज बड़ा है, ज़्यादा पेट है उसको, तो थोड़ा शेप ज़्यादा दे सकते हैं। नॉर्मल साइज़ों को ज़्यादातर ऐसा ही चलेगा, इस तरह से शेप लग गई बैक का शेप। ये शोल्डर, ये शोल्डर का मैंने मार्क लगा लिया है 7.5 प्लस मार्जिन, यहाँ पे 1.5 इंच। कलर का हाला है ये, और हाला 1 इंच, 1 इंच यहाँ लगा लेना है। ये गला बन गया बैग का कलर, ये बैग का कलर काला है, यहाँ से कलर बैठेगा बैग का। ये डाउन शेप देना है इधर बैग को, फ्रंट को अप शेप आएगा अपोजिट। ये चेस्ट में 6 हिस्सा करना है, इधर जितना भी चेस्ट हो उसको 6 हिस्सा करना है, सबको एक ही साइज चलेगा, ये एक ही हिसाब चलेगा 5.5 1 पॉइंट। यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाना है, सभी को ये हिसाब चलेगा। अब यहाँ से शेप मारना है, थोड़ा शेप बस।
7 इंच एक पॉइंट आ गया है, इधर 1 इंच कम करना है, 6 इंच एक पॉइंट आएगा स्टमक के पास, नीचे 1 इंच और बढ़ा लेना है। ये मैंने 7.5 लगाया है क्योंकि हिप थोड़ा ज़्यादा है इसका, जिससे ये इस तरह से मार्क लगा लेना है। ये थोड़ा सा उल्टा शेप देना है, इधर नीचे नीचे उल्टा शेप, फिर इसको मैच करना है अच्छे से। मैं बता रहा हूँ, आप बार बार देखिए, आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा, एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा। ये 1.5 इंच साइड चाक का मार्जिन है, ये लाइन खींच ले, ये 8 इंच में चाक लगा रहा हूँ, आप चाक अपने हिसाब से लगा लीजिए, कितना बैठेगा चाक वो हिसाब से लगा सकते हैं, इसका कोई हिसाब फिक्स नहीं है। ये देखिए शोल्डर 7.5, यानी कि 15 शोल्डर है, प्लस मार्जिन मैंने छोड़ दिया है इधर। ये कॉलर का 1 इंच मैंने हाला लगाया है, ये चेस्ट में 6 हिस्सा, चेस्ट में 6 हिस्सा, हर साइज़ को ये एक ही हिसाब है, चेस्ट में 6 हिस्सा प्लस 1.5 इंच, यहाँ 1.5 इंच, छोटा बड़ा जितना भी छोटा साइज़ है, जितना भी बड़ा साइज़ हो, एक ही हिसाब चलना है इसको। इधर इसे थोड़ा कम करना है, अगर पेट चेस्ट से पेट ज़्यादा है तो थोड़ा बड़ा ले सकते हैं। ये देखिए 7.5, इधर 1.5 इंच साइड चाक का मार्जिन, ये 8 इंच का मैं चाक लगाया है। ये आप देख सकते हैं लेंथ 28, मैंने मार्जिन नहीं छोड़ा है, इसको कटिंग में मार्जिन छोड़ना है। अब मैं काट रहा हूँ, ये मार्क पे काटना है, इधर लेंथ में मार्जिन छोड़ना है, लेंथ में मैं मार्जिन छोड़ रहा हूँ, देखिए कहाँ पर मैंने मार्जिन छोड़ रहा हूँ, कहाँ पर नहीं छोड़ रहा हूँ, अच्छा सा देख लीजिए। यहाँ पर भी फिक्स काटना है, यहाँ पर भी मार्क पे ही काटना है। अब यहाँ से मार्जिन छोड़ना है, यहाँ से 2 पॉइंट मार्जिन छोड़ना है, पॉइंट ये मैंने मार्जिन छोड़ करके काटा, इधर भी मार्क पे ही काटना है। ये नीचे का मार्जिन है, बॉटम का मार्जिन, ये कच के लगा लो इस तरह से, ये देखिए मैं बता रहा हूँ मार्जिन कहाँ, मैंने मार्जिन छोड़ा है ऊपर, मार्जिन छोड़ा है, फिर साइड में मार्जिन छोड़ा है सिर्फ, और कहीं भी मार्जिन मैंने नहीं छोड़ा है, ऊपर और साइड में। ये 2.5 इंच कलर का हाला, ये भी मैं असीम काट रहा हूँ स्लीव, ये स्ट्रेट लाइन मैंने लगा लिया है, यहाँ पर 2 इंच, थोड़ा बड़ा साइज होगा तो 2.25 इंच करना है, और ज़्यादा बड़ा होगा तो 2.5 इंच भी लगाना है,
35 34 को 1/4 इंच चलेगा, 40 अबव है तो 2.5 इंच चलेगा। लेंथ में 1/4 इंच मार्जिन छोड़ना है ऊपर, ऊपर 1/4 इंच मार्जिन, 22.5 ये मैंने लेंथ लगाया है फिक्स, सिर्फ ऊपर मार्जिन छोड़ा है। ये स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ से चेस्ट में 6 हिस्सा लगाना है मार्जिन छोड़ करके, 5.5 आएगा। चेस्ट में 6 हिस्सा करना है इसको, हर साइज़ को चेस्ट में 6 हिस्सा नहीं आएगा, बड़ा साइज़ को थोड़ा कम आएगा, मैं उसका हिसाब मैं बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। ये कपड़े का विड्थ कितना है यहाँ पर चेक कर लीजिए, इतना विड्थ इतना कपड़े का है, इतना ही सेम यहाँ पर नीचे लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से कपड़ा स्ट्रेट आएगा, सेम जगह पर पोजीशन पे लगा लेना है। इसमें क्या होगा, कपड़ा स्ट्रेट आएगा। अब ये मार्क लगा लीजिए शेप, ये छोटा साइज है, थोड़ा शेप में कम कर रहा हूँ, वरना फुल स्केल यूज़ कर सकता था ऊपर तक। ये 1/2 इंच मार्जिन में, ये मार्जिन का है 1/2 इंच, स्टिचिंग का मार्जिन है दोनों तरफ का, इधर का और उधर का मिला करके, जिस तरह से हम पैंट को लगाते हैं, पैंट को जो मार्जिन लगाते हैं ना बैक को एक्स्ट्रा मार्जिन, सेम वैसा ही मार्जिन है ये। ये थोड़ा सा शेप यहाँ पर अब लगा लेना है, हल्का सा 1/2 इंच का शेप चलेगा। ये 4.5 इंच बॉटम है आस्तीन का, ये 1 इंच को 1 पॉइंट कम लगाना है, ये मैं लूजिंग लगा रहा हूँ 7.5, ये रेडी 7.5 आएगा। साढ़े सात का मतलब 15 इंच का लूजिंग आएगा आस्तीन का। ये इतना शेप काफ़ी है इसको, ये छोटा साइज है, हल्का सा शेप काफ़ी है इसको, ज़्यादा शेप की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से टेप लगा लीजिए 1 इंच को 1 पॉइंट कम हमने लगाया था सेंटर करके, एक थोड़ा सा हटा के, ये सेंटर आस्तीन का ऊपर का कच का आता है इसको। भाई लोगों, वीडियो एक बार दो बार देखने से समझ में नहीं आएगा, बार बार देखना पड़ेगा। कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया बोल करके, भाई एक बार देखने से दो बार देखने से समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, बार बार देखना पड़ेगा। ये बन गया आस्तीन मुकम्मल, ये नीचे थोड़ा मार्जिन का बॉटम लगा लीजिए, ये नीचे का मार्जिन है बॉटम मार्जिन, ये पट्टी फोल्ड होगा अंदर। ये देखिए, ये मैंने लगाया है लेंथ, 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है ऊपर, ये नीचे बराबर स्ट्रेट लाइन पे लेंथ, एक और लाइन क्रॉस का लाइन है। ये 4.5 इंच बॉटम,
9:30 रेडी आएगा ये बनने के बाद। ये 2.5 इंच मार्जिन। सवा सात ये 2 इंच ऊपर का मार्जिन। ये देखिए, ये इसको हाफ कहाँ से करना है, यहाँ पर लगाना है, टेप फोल्ड करना है, थोड़ा हटा के मार्जिन लगाना है सेंटर। पूरा मार्क पे ही कटना है, मार्जिन कहीं भी नहीं छोड़ना है, पूरा मार्क पे ही काटना है। ये 80 को ऊपर का टॉप कट गया। अभी हम नीचे का टॉप भी काटेंगे। ये जो 5.5 मैंने लगाया है, ये चेस्ट में 6 हिस्सा है, हर साइज को 6 हिस्सा नहीं आता है, थोड़ा कुछ पॉइंट्स कम करना पड़ता है, ये पॉइंट्स थोड़ा कम करना पड़ता है, कुछ बढ़ाना पड़ता है पॉइंट्स। मैंने एक और वीडियो में बताऊं इसका, बना करके बताऊंगा कि इसका क्या हिसाब किताब है, क्या है इसका मैथमेटिक्स है। ये 2 मार्क उठा लें, अब से मारक उठा ले नीचे के उसको। सेम ऊपर का ही मारक नीचे उतारना है। ये थोड़ा सा ऐसा शेप लगा ले, बस राउंड कलर का कोई हिसाब किताब नहीं है, बस एक हाथ का अंदाज़ा है। ये अंदर की लाइन को मरक लगाना है, अंदर वाली लाइन जो है ऊपर का 80 की टॉप की, ये अंदर वाली लाइन। अब मैं काट रहा हूँ, थोड़ा मार्जिन ऊपर भी छोड़ सकते हैं या फिक्स भी काट सकते हैं। इधर मार्जिन छोड़ करके काटना है, 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना है कम से कम।
अभी इस तरह से लगा लें शेप, बिल्कुल सेम शेप से काटना है ये मार्क के पास इस तरह से लगा लें। ये आस्तीन कट गया खलास। ये देखिए ये नीचे के लेन को अंदर वाला काटना है, ये पीछे वाली ये लाइन पर काटना है नीचे का, ये लेंथ पे बराबर कटना है। कुछ भी मार्जिन नहीं है इधर, सिर्फ मार्जिन इधर है। अभी अपन फ्रंट काटेंगे। ये मैंने पहले लाइन लगा लिया है ऑलरेडी, फ्रंट को 1.5 इंच के लाइन लगाया है मैं, पहले लगाया था ऑलरेडी। आप भी इस तरह से लाइन लगा लेना है। ये थोड़ा सा इधर नीचे शेप लगाना है फ्रंट को। ये पूरी लाइन उठा लेना है मारक, ये ऊपर वाला शोल्डर का लाइन अभी नहीं उठाना है, इसको मैच। फ्रंट को थोड़ा शेप दिया है मैंने नीचे 1/2 इंच का। काम करने से गर्मी हो रही है, हाँ फोन पकड़ के ऐसे इस तरह से ये काम है। इस तरह से नहीं गर्मी हो रही मेरे को, आधा हिस्सा खाना खाए अभी भी पसीने आ रहे थे मेरे। मार्क के पास आना, ये फ्रंट का मार्क। गर्मी हो रही है, सीने में दर्द हो रहा तो पसीने आ रहे। यहाँ पे स्टमक का टेप पकड़े, इस तरह से पकड़ना है ये स्टमक का भी हाफ, स्टमक का 2 भाग यहाँ लगाना है। यही खाना खाते सर टाइम पे, जब से गर्मी हो रही खाना हम नहीं खाने से पहले सीने में दर्द होकर पसीने आ रहे थे। अब हम लूजिंग छोड़ेंगे 3.5 इंच, भूख से हो रहा है बढ़ता भी है, अगर साइज बड़ा है तो 4 इंच तक भी जाता है। 3.5 इंच छोटे साइज में लगाना है। इस बात से आप वो बोल रहे हैं खाना खा गए, ज़्यादा बड़ा साइज है तो 4.5 भी लगाना है लूजिंग। यहाँ मैं 2 इंच शोल्डर डाउन किया है, शोल्डर डाउन 2 इंच किया है। ये कलर का हाला 1 इंच लगाया है, 1 इंच टू 1.5 यहाँ पे मैंने लिपल का लगाया है। अब इस तरह के शोल्डर को पकड़ के थोड़ा वो कट हो गया, ये कैसे ले लेना दूसरे पट्टे के नाम से कर रहा था। आप इसके बाद में और कम नहीं काटा, उसको वैसे ही रख के कर रहा हूँ। बैक को थोड़ा वो अलग माप है गिराने के लिए, ये अलग माप है।
अजब अजब करे सो। हाँ ये चेस्ट में चौथा भाग एक इंच कम लगा के मार्क डालना है, चेस्ट में चौथा भाग करना है इसको, एक इंच उसके ऊपर ऐसे आड़े लग के मार दो, नीचे वाले कम लगता है, काम का नहीं है ना इन्हें। हाँ ऐसा मार दो, ज़्यादा बड़ा से इसको पौने दो इंच भी कम लगता है। ये चौथा भाग है, चेस्ट में चौथा भाग है, यहाँ पर एक इंच को कम ने मैंने मार्क लगाया है। बेकार समझ में कर देते मारक काट कूट कर देते उसको। ये उल्टा शेप, ये आस्तीन का हाला इसी स्केल से लगाना है, दूसरा स्केल यूज नहीं करना है। ये शेप ऊपर लेना है, ये शेप अपोजिट शेप एकदम, बैक को हमने अंदर लिया था इस तरह से, फ्रंट को इस तरह से लेंगे क्रॉस ऊपर। यहाँ पर पौने दो इंच का, यहाँ पर पौने इंच, ये पौने इंच कट जाता है। ये डेढ़ इंच में मार्क लगाएंगे वॉलेट का, वॉलेट कितना बढ़ता है आप अपने साइज़ के हिसाब से लगा लीजिएगा, 4 इंच, 4.5 इंच, 3 इंच, साइज़ के हिसाब से वॉलेट सेट करना है। वॉलेट का कोई साइज़ फिक्स नहीं है, आप इसको हाफ़ करना है, यहाँ से हाफ सेंटर वॉलेट। देखिए डेढ़ इंच, ये वॉलेट लगा करके इसी तरह से टेप को पलटा के रखा करना। यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 4 इंच, इधर भी उतना ही लगाना है। ये लाइन मारना है, ये लाइन सेंटर डॉट है फ्रंट का। ये लेंथ में कोट का लेंथ में तीसरा हिस्सा लगाना है, 3 हिस्सा करना है। यहाँ पर पॉकेट बढ़ेगा, कितना भी लेंथ आने दीजिए कोट का, 3 हिस्सा करना है। ये पॉकेट का मार्क इधर 1 इंच, यहाँ से पॉकेट स्टार्ट होगा, 5.5 इंच का पॉकेट लगा रहा हूँ, 1 इंच कम लगाना है इधर। ये शेप इस तरह से ले लीजिए, स्केल का जरूरत भी नहीं है, हाथ से भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देख लीजिए कितना आ रहा है, नीचे भी सेम लगाना है। थोड़ा हटा करके
दो पॉइंट ऊपर जाएंगे। ये ऊपर से पकड़ तक आना है शेप। यहाँ पर बटन बैठेगा, ये सेकंड बटन का मार्क, ये लिपल का फोल्डिंग मार्क, ये लिपल का मार्क, यहाँ से लिपल फोल्ड होगा, ये कलर का मार्क। ये भी कलर का मार्क है, इसका कोई हिसाब नहीं है, ऐसे ही लगा लेंगे अंदाजे से। ये मैं 2 इंच का लिपल लगा रहा हूँ। थोड़ा सा शेप लगा लेंगे, नीचे बॉटम का शेप पूरा 2 इंच लगा देना है। वॉलेट का भी मार्क डाल लेंगे इस तरह से, थोड़ा शेप आएगा वॉलेट का, टेढ़ा आएगा, स्ट्रेट नहीं आएगा। ये डॉट खत्म ही इधर, लोग इसको देख के ही अच्छा सा समझ जा सकते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो ये मत बोलिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है बोल करके, अब अच्छा सा देखिए, देखकर ही समझ सकते हैं। अच्छा कहाँ पर मार्जिन छोड़ रहा हूँ, कहाँ पर नहीं छोड़ रहा हूँ, जगह देख लीजिए, यहाँ पर मार्जिन छोड़ कर कट रहा हूँ। सही मैंने गए छोड़े तो 2 इंच गए खाली, हाँ हो नहीं पीछे गया। अच्छा और एक बात है, ये लोग भोने से जितना दूर है उतना फायदे में रहेंगे, और उसको जितना लगा लेंगे उतना मार चुट जाएगी। गान मारू है जबरदस्त, गान मारू गए छोड़ो, वहाँ कड़ा ढोला है उन्हें, कुछ भी कर सकता हूँ, सही है, बुरा करे उन्हें, हाँ सही है। यहाँ पर मार्जिन नहीं छोड़ना है, यहाँ पर मार्जिन छोड़ रहा हूँ, मगर फिर भी ये मार्जिन काट दूंगा बराबर। अब ऊपर भी मार्जिन छोड़ रहा हूँ, ऊपर भी मार्जिन छोड़ना है। ये मैं काट दूंगा बाद में, ये कट जाएगा, ये पीस वेस्ट है। देखिए मैं नीचे से आ रहा हूँ काट लेते हुए अंदर के मार्क पे।
कर दी हाँ पूरा ऐसे नजर आ रहा हूँ खाली नमूद को बुला के लेके आ रखे उन्होंने अब उनके बच्चे सब कुछ है भाई हम कुछ भी नहीं है उनके आते और उन्हें भी सोचे ही सुन आप सोचे हाँ 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 ये इतना बाद में से बराबर काट लेंगे कौन आते ये हो गया बाप तो आता है नहीं हाँ ये हमेशा ऊपर से काटना है तो ऊपर से काटेगा तो अच्छा था शेप नीचे से काटने नहीं जम सकता ये देखिए किस तरह से जबरदस्त शेप आया शादी करके उन्हें और मामूल में आ गए हाँ हाँ सही है पकड़ने आ गए अच्छा अच्छा चार दिन बाद में तो काट लूँगा आप भी इसको काट लीजिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है प्रेसिंग करने पर धागा निकलता है बोलकर मैंने छोड़ दिया था वो ये अंदर वाला भी हमारा का भी काट लेंगे ये पूरा कट जाएगा ये नीचे की लेंथ से ऊपर की लेंथ तक आएंगे ये बस इधर 1.5 इंच का सेम हमने जो चाक का मार्जिन छोड़ा था बैक में सेम मार्जिन छोड़ना इधर की फ्रंट पे ये हुआ कोट का कटिंग खत्म खलास कोट का कटिंग खलास हो गया और भी मैं बड़े साइजों का कोट का कटिंग अपलोड करने वाला हूँ देखिए आप लोग बड़े साइजों का भी कोट का कटिंग मैं अभी डालने वाला हूँ देख लीजिए कि ये कटिंग ख़त्म हो गया ठीक है।